देहि सुमिरत सिद्धि हो, गण नायक करिवर बदन, अकरहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोपी, चंद्रः सर्वत्र वंदते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अंतःकरण के सबके गुरु ही है शंकर जी, यानी सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक अंदर में सत्य को स्थान नहीं देंगे, तब तक बाहर वाले गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। जो हमेशा बोधमय रहते हैं, ज्ञान स्वरूप है, वो हमेशा ज्ञान स्वरूप है। राम ही जी उनके गुरु है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड में दोहा नंबर 108 पर कि भारद्वाज मुनि को हर प्रकार से सम्मान दे करके श्री राम जी यमुना में स्नान करते हैं और सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। प्रेम के साथ राम जी भारद्वाज मुनि से पूछते हैं कि हे नाथ, बताइए मैं किस रास्ते से चलूं। तो मुनि मन बिहसी राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहही। मुनि मन में ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। जो भगवान का सच्चा सेवक हो गया, वो भी जिधर जाएगा उसके लिए सब सुगम है। अगर कपट है तो फिर बात ठीक नहीं। राम जी के लिए क्या, तो कोई बात नहीं, वो नर लीला चल रहा है तो उसमें लौकिक व्यवहार करना पड़ता है जी। तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पचास आए। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, मुनि ने शिष्यों को बुलाया तो सुनते ही चित्त में हर्षित होकर के पचासों शिष्य चले आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाही मगु दीख हमारा। 50 के 50 सबका जो है राम जी पर प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और सब सोच रहे कि हमको भेजेंगे साथ में, क्या हम देखे हैं रास्ता, मेरा देखा हुआ है, लेकिन 50 लोगों को नहीं भेजते हैं मुनि। तो मुनि बटु चारी संग तब दीने,
जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। ध्यान दीजिएगा, बड़ा रहस्य का व्यवस्था है नाग। सब मुनि चुन करके 50 में से 4 लोगों को, ननकू भैया और शिव कुमार भाई और इधर सत्यनारायण भैया, नहीं और बालेश्वर भाई, यह 4 लोगन के 4 ब्रह्मचारी रहे, 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिए, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पूर्ण किए थे पूर्ण। और डॉक्टर भैया, पूर्ण का आधार ही होता है सत्य। जो सत्य को धारण नहीं कर सकता वह पूर्ण कभी नहीं कर सकता, ठीक ना? तो बहुत जन्मों तक किए थे, तो करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। श्री राम जी देखिए लौकिक व्यवहार कर रहे हैं मुनि को प्रणाम करके और आज्ञा पा करके हृदय में आनंदित होकर के आगे चल दिए। तो ग्राम निकट जब निक सही जाई, देख ही दर सुनारी नर धाई। जब वे किसी गांव से होकर गुजरते थे तब स्त्री पुरुष दौड़ करके उनके रूप को देखने लगते थे। अहो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ का अर्थ है कि जब तक आप लोग भी राम जी के सच्चे सेवक नहीं बन रहे तब तक अनाथ ही है, क्योंकि वो सब नाथों के नाथ हैं, है ना? तो कहते वो सब अनाथ सनाथ हो गए जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेज कर मन को भेज दिए राम जी के साथ, हाँ, और शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर के लौट आते हैं। अब शरीर के साथ मन नहीं है। बार बार यही कहता हूँ कि अपने मन को दे दीजिए भगवान के शरण में और शरीर से सेवा करिए, एकदम सच्चा सच्चा बात जी। तो विदा किए बटु विनय करी, अफिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुने जल जो शरीर समस्याम। उसके बाद श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा दे दिया कि अब आप लोग जाइए और वे मन चाही वस्तु आप जान लीजिए कि सबसे जो दुर्लभ भक्ति है वस्तु, पूरा मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान की अनन्य भक्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अनन्य भक्ति जो मिला हनुमान जी को, ध्रुव जी को, ये चारों ब्रह्मचारी को भी मिला, लेकिन तू सबे जो ना अच्छा ना समझ के फेंक दिला तो फिर आगे लड़की दे दे इनकी ले अब शादी के में मन लगावे, अगर भक्ति करे होता तो यहाँ जनाओ क्या है कि सबसे अपन बुद्धि लगा ले लेना है। कहते हैं कि यमुना जी के पार उतरकर सबने यानी राम लक्ष्मण सीता जी और निषाद जी भी होंगे अभी, यमुना जी के जल में स्नान किए। यमुना जी का जल आकाश के रंग का होता है, नीला ही होता है, कहते भगवान के रंग का ही वो
यमुना जी का, और यमुना जी सूर्य की पुत्री है, यमुना जी सूर्य की पुत्री है। तो लखन और क्या कहते हैं, हाँ, तो सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी। यमुना के तीर पे जो रहने वाले नर नारी हैं, वे सब अपना काम काज छोड़ के दौड़े। लखन राम सिय सुंदर ताई देखी कर रही निज भाग्य बढ़ाई। अब राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को देख करके सब लोग अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे कि ऐसी सुंदरता कभी देखने को नहीं मिली थी। तो अति लाल सा बसही मन माही नाउ गाउ बूझत सकुचाही। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी कि बड़ा अच्छा चेहरा बा, पूछ ले एक बार कहा घर बा तो फिर आके मिलो। तो लालसाएं तो भरी लेकिन वे नाम गांव पूछते हुए सकुचा रहे, संकोच लगा ला न कोई से। तो जे तीन महू बाय बिरिध सयाने तिन्ह करी जुगुती राम पहचाने। देख ले करण भाई, कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से बुढ़ा बुढ़ा हो ले, बुद्धि से भी बुढ़ा बुढ़ा हो ले। तो उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से राम जी को पहचान लिया, बिना पूछे पहचान लेते। अब बुद्धि उतना हो तब पहचाने में यही है। तो सकल कथा तीन सब ही सुनाई बन ही चले पितु आय सुपाई। तो जिसको समझ में आ गया कि ये वही है तो उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई और बताए कि पिताजी की आज्ञा को पा करके ये जंगल जा रहे हैं। तो सुनि सभी साध सकल पछिताही रानी राय किन भल नाही। यह सुन करके सब लोग दुखित होकर के पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि रानी और राजा अच्छा नहीं किए। तो जितना बुद्धि बा जितना मनई बा उतना प्रकार का बुद्धि बा, तो कोई कहता कि अच्छा नहीं करें। अते ही अवसर एक तापसु आवा तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आते हैं जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। ध्यान दीजिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करेंगे तो आपका उम्र बहुत हो जाए फिर भी आपका शरीर छोटा दिखेगा कि बहुत कम उम्र के है। कोई कह रहा था कि महाराज कहता है कि 25 साल होगा, 30 से 32 को उम्र लगा तो आप करने लगा। हम कह नहीं भवा 42 के ऊपर चलाता है, इसमें 42 चलाता। तो जब तपस्या करेंगे वीर रज को रोकेंगे तब तो स्थिरता बनेगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि छोटी अवस्था और सुंदर रहा का मतलब बहुत सुंदर चेहरा था। और ध्यान देने की बात है डॉक्टर साहब कि कवि अलखित गति बेसुबिरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। वह तपस्वी बैरागी वेश में था और मन बाणी कर्म से श्री राम जी का प्रेमी। मन बाणी और कर्म से
अब मन वाणी और कर्म से आप भी जानते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो अगर मन को माया में लगाएंगे तो फिर आप मन से प्रेमी नहीं हुए, वाणी को लगाएंगे तो वाणी से प्रेमी नहीं हुए, लेकिन वह तपस्वी मन वाणी और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। वैसे यहाँ पर लोग तमाम प्रकार की युक्तियां लगाते हैं कि इसका क्यों आना था, लेकिन ऐसा मानना है कि वो हनुमान जी या तो तुलसीदास जी ही अपने अलौकिक तपस्या में रहे उस समय, वहीं जा करके अपने इष्ट को पहचान करके उनको सर नवाते हैं। तो कोई बात नहीं, माने ऐसा जो है भाव है कि यहाँ पर उस तपस्वी की बात लाने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा होता है, बहुत सारी व्यवस्था की अलौकिक है ना, इस आंख से नहीं देख सकते, उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और दिव्य चक्षु होता है वैराग और ज्ञान, वो सिर्फ वैराग और ज्ञान के नेत्र से ही देखे जाते हैं। तो सजल नयन तन पुलकिनी ज इष्ट देव पहिचान, परे उदंड जिमि धरनी तल दशान जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान करके, तो इष्ट देव तुलसीदास जी देखिए सब किए है, हनुमान जी है, इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्ट देव को पहचान कर उस तपस्वी के नेत्रों में जल भर आया आंसू, शरीर पुलकित हो गया। महाराज जी इष्ट देव स्वामी तुलसीदास जी इष्ट देव हनुमान जी को माने, इष्ट देव तो राम जी है। आप जब राम जी को इष्ट देव मान के चलेंगे तो जो राम जी के सेवक है उनका जो है कि छाया आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो जो है दंड की भांति बिल्कुल गिर पड़े राम जी के चरणों में। आप लोग इसका अनुभव करिए, जिसको बहुत प्रेम करते हैं, संगी संगी भी मिला लेन तो आपस में मिल के दम चबुआ के पकड़ ले लें, नहीं तो आप लोग अपना मन और प्रेम यहाँ लगा रखे हैं, और जो साधु लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ भगवान ही है, संसार कुछ नहीं है। संसार के भक्त लोग जो अपने संसार में भ्रमित हैं उनको मार्ग दिखा देंगे कि इस मार्ग से चलिए। तो वह जो है कि गिर पड़ा, और प्रेम विह्वल जो उसकी दशा रही उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दशा न जाई बखानी, इतना प्रेम होता है भगवान से। आज लोग, यह बात दोहरा रहा हूं, आज लोग धन के लिए लड़की पाने के लिए कत्ल कर देते हैं, कट मर जाते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए आज कभी आज तक नहीं सुनाई दिया कि किसी ने फांसी लगा लिया, सुने भाई कभी? और जबकि लोग पहुंचो नहीं भाई, फिर भी अपन वही में, चाहे कि वो दोनों तरफ चलाता है ना, दोनों तरफ चलेंगे तो काम नहीं होगा। तो राम ऐसा प्रेम पुलकी उरे लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। श्री राम जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उस तपस्वी को हृदय से लगा लेते हैं, और जब हृदय से लगाते हैं तो उस तपस्वी को इतना आनंद होता है कि मानो कोई महान दरिद्र मनुष्य पारस मणि ही पा गया हो। माने मनहु प्रेम पर मारथु दो, मिलत धरे तन कह सब को। जैसे प्रेम और परमार, प्रेम और आपस में मिल रहे हो, ये संसार का जितना भी प्रेम है सबका आधार है स्वार्थ, और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो होता है परमार्थ। आधार अलग अलग है,
तो आप लोग स्वार्थ वाले प्रेम में ही मग्न है, मोह की जबरदस्त रात्रि है और उसमें राग द्वेष दुठो उल्लू है। रात में कौन सक्रिय रहता है डॉक्टर साहब? उल्लू ने, यह राग द्वेष दुठो उल्लू है और इसी में लोग आनंद उठा रहे हैं। तो जाग जा मोह निशा से, जाग जा सेवक, जो दिन बन गई ना वही दिन जागबे। तो सेवक भाई सेवा करा थे, बाकी कैसे का लेना देना बा जी। तो बहुरी लखन पायन सोई लागा, अली ने उठाई उमगी अनुरागा। फिर वो लक्ष्मण जी का भी पैर छूते, तो लक्ष्मण जी भी उसे हृदय से लगा लेते। अब डॉक्टर साहब देखिए, यही मर्यादा की बात अगली लाइन है कि पुनिसी चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दिनी असीसा। हमेशा भी भाभी हो, माँ हो, चाची हो, दादी हो, कोई भी हो, किसी भी पुरुष को अगर प्रणाम करना है तो उसके चरण के धूल को ही प्रणाम करिए, या तो चरण के धूल को ही उठा करके सर पे रखना चाहिए। छूने का जो है नियम, आप सब लोग छूते हैं, वो चरण नहीं ठेवनी, यह उचित, यह मर्यादा के बाहर है। क्योंकि यही इसी से ये सब सीखने को मिलता है। नारी है तो नारी को किसी के शरीर को छूने का जगह नहीं है, पुत्र और पति, ठीक ना? और यही है। तो कहते हैं कि वह तपस्वी माता जी सीता जी के चरण के धूल को सर पे रखते हैं, तो पुत्र जान करके, शिशु माने छोटा बच्चा जान करके उनको आशीर्वाद देती। तो ध्यान दीजिएगा, पत्नी को कोई भी पराया पुरुष, देवर हो चाहे बेटा हो, कहीं का भी हो, वो चरण के धूल को ही सर पे रख सकता है। यह नीति है डॉक्टर साहब, कितना अच्छा रहेगा अगर ये सब संसार में फैले तो। आजकल लोग देख रहे हैं अंग्रेजों का, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सब मिलनी भेटनी कर रहे हैं एकदम, है ना? हाँ, नर नारी भी जो है अब पैरों छूने का बात नहीं है, अब सीधे। तो किननी सादि दंडवत ते ही, मिले उमुदित लखी राम सने ही। अब देखिए, निषाद राज जी जब देखे कि ये राम जी के चरण का इतना बड़ा प्रेमी है तपस्वी, तो निषाद राज जी उस तपस्वी को दंडवत करते हैं, और श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर कि यह जो है निषाद श्री राम जी का प्रेमी है, ऐसा जानकर उस निषाद से आनंदित होकर के मिलते हैं। तो जो राम जी का प्रेमी हो उसे आनंद के साथ मिलना चाहिए, उसमें प्रपंच नहीं रखना। अब देखिए, वो तपस्वी निषाद राज से भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि निषाद राज जी राम जी के प्रेमी क्या परम पवित्र प्रेमी है। हाँ, आप लोग भी जानते हैं। तो पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमी भूखा। अब वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों आंखों से, मतलब कि दोनों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा, माने देखने लगा। और ऐसा आनंदित हुआ कि कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित होता है।
तो ते पितु मातु, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बड़ा ममता वाले होते हैं ना बालेश्वर भैया, तो वही लोग बोल रहे हैं कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी कहो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया, है ना? देखिए अपना अपना बुद्धि सब लगा रहे हैं। तो राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते। देखिए राग और द्वेष दोनों फंसाता है, राग और द्वेष। हाँ देखिए, स्नेह हो रहा है इसलिए व्याकुल हो रहे हैं। जब किसी से स्नेह हो जाता है ना, तो उनको जब छोड़ने की बात करते हैं तो आप कहते हैं महाराज इतना बोझा काहे लादत है, ये बोझा नहीं है। सेवक बन करके सेवा करना वही जो है कि उचित मार्ग है। आज लोग जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है, वैसे ही लोग अपने उचित मार्ग से उतर करके मोह के बस में हो गए हैं। और मोह माने होता है अज्ञान, तो कोई बात नहीं। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीष धरी भवन गवनु तेई कीन। अब श्री रामचंद्र जी अपने मित्र यानी निषाद राज जी को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया कि अब आप यहाँ से हाँ। और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ा करके वह अपने घर को लिए गमन कर दिए। तो अब बचे मात्र तीन ही लोग, राम लक्ष्मण और सीता जी। तो पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुना ही कीन प्रणाम बहोरी। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। किए अचले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कोई करत बड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, कल्याण हो भाई, ध्यान दीजिएगा, बैठ जाओ। तब जो है यही होना चाहिए, आप जिससे भी मिलें जब आगे बढ़े तो उस व्यक्ति के गुणों का बखान ही करना चाहिए। सच्चे मित्र जो होते हैं वो गुणों का बखान करते हैं और अवगुणों को छुपाते हैं। सच्चे मित्र का पहचान यही है। तो यहाँ पर भी सूर्य कन्या रवि तनुजा, रवि माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री। तो सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ देते हैं। तो वही नैनी वाला वही व्यवस्था, यमुना के जब पार करे बहन तो वही जहाँ पुल बना हुआ नैनी वाला, तो नैनिया की तरफ से आगे बढ़ा हुई है जी। तो पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुना ही कीन प्रणाम बहोरी, अचले ससिय मुदित दो भाई,
रवि तनुजा कोई करत है बड़ाई। यह बात दोबारा पढ़ ले इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अक्सर लोग आते हैं लोभ लेकर के, जब उनका कार्य नहीं सिद्ध होता है तो ढेर सारा बुराई करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरारू लोग कही है कि बतावे खाली फूका उका के नहीं आवाता, कदम खाली पति की सेवा करो। ये बात लोगर के अच्छा है इसमें कलयुग में। हाँ बाबा जी कुछ न ले ठीक बा, लेकिन हम पहुंची तो हमें 2 करोड़ मिल जाए तब तो बाबा जी, नहीं तो कितवा का बाबा जी। ये न उमा शंकर भैया, आज लोग खाली यही चक्कर में पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, तो पथि के अनेक मिलही मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो ब्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचुवती हृदय हमारे। रास्ते में जा रहे हैं, अनेक यात्री मिल रहे हैं और उन दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि आप सभी के अंगों में, माने आप दोनों के अंगों में राज चिन्ह है, और यह देख करके हमारे हृदय में सोच हो रहा है, अंग में तो राज चिन्ह है और जा रहे हैं जंगल की ओर। तो मार्ग चलहू पया देही भा पाए, मार्ग चलहू पया देही पाए, ज्योति सुझूठ हमारे भाई। कहते हैं ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी आप लोग रास्ते में पैदल चल रहे हैं, इससे हमारे समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। लोग बोल रहे हैं, देखिए अब भगवान को जब लीला करना है, अगर वही राज सुख में लग जाएंगे तो फिर लीला कैसे होगा। और डॉक्टर साहब ध्यान दे जागृति से अनस भाई साहब भी बैठे आपके बगल में, आप भी ध्यान दे, ज्ञान वही होता है जो मुक्ति दिला दे। अगर मुक्ति वाला ज्ञान नहीं मिला तब समझ लीजिए ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि प्रमाण है भगवान शंकर जी की बाणी है ननकू भैया कि धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष हो जाता है और ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है, भक्ति से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान का पंथ बड़ा कठिन है, उसमें बड़ा संभल संभल के चलना है। और भक्ति में क्या है, निष्कपट रहिए, अपने आश्रम में रहते हुए, घर में रहते हुए निष्कपट सेवा करेंगे, वह जो है सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। लेकिन निष्कपट होना चाहिए ना, वही लोग नहीं कर पाते तो कहते घर में रहते हैं गांव में बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान दे, वो अखाड़ा बड़ा बड़का बा, बहरे जब छोड़ के निकल गई तब तक आसान बा, घरवा में करे जी। तो अगमु पांथु गिरी कानन भारी, अते ही महसाथ नारी सुकुमारी। कहते हैं कि भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर उसके बावजूद भी आपके साथ में सुकुमारी स्त्री है। तो करी के हरी बन जाई न जोई, हम संग चल ही जो
आयसु होई। जब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिरब बहोरी तुम्हारी सिरुनाई। अब देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसको समझिएगा। कहते हैं कि हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। कहे कि आप लोग बड़े सुकुमार हैं, अब सबके पता नहीं बने जे माया बा ओके कैसे पता लगी। कहते हैं कि आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा करके फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। आज आप जब समाज में निकलवे तो कोई इतना विनम्र भाव से न पूछी, ऑटो वाले हाथवा पकड़ के लगी है खींचे हमरे में। देख ले, ई जो है मर्यादा के खिलाफ बात। करण भाई समझ में आवता? ठीक, देख ले जैसा होगा कि चाहिए कि पूछा थे कि आप जहां तक चलेंगे फिर जब आप चाहेंगे तो हम आपको प्रणाम करके वापस हो जाएं। आज कलयुग में मर्यादा नहीं है, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो यही विधि पूछ ही प्रेम बसो, ध्यान दें, यही विधि पूछ ही प्रेम बसो, पुलक गात जलु ने कृपा सिंधु फे रही तिन्ही, कही मिदी कही विनीत मृदु बैन। कोई आ गल ना, तो यही विधि पूछ ही प्रेम बसो, पुलक गात जलु ने कृपा सिंधु फे रही तिन्ही, कही विनीत मृदु बैन। अब इस प्रकार से वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आश्रु भी भरे हुए हैं देख करके, और कहते हैं कि मतलब पूछते हैं किंतु कृपा के समुन्दर, श्री राम जी हैं कृपा के। तो अगर कोई संत कहता है कि हम राम जी के सेवक हैं तो उसे कृपा का समुन्दर नहीं तो कृपा का नदी तो होना ही पड़ेगा, और कृपा का नदी तभी हो सकता है जब लोभ का अंत हो जाए। लोभ रूपी जमीन समाप्त होगा तब कृपा का धारा बहेगा, और जब तक लोभ है तब तक कृपा नहीं हो सकता है। तो कृपा के समुन्दर श्री राम जी कोमल विनम्र बाड़ी कह करके उन्हें लौटा देते हैं कि ठीक है, भयानक शेर बाघ है, पर्वत है, आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, कल्याण हो, सबको विनम्र भाव से वापस कर लेते हैं। आज लोग संत बनते हैं तो चेला जुटाना शुरू कर देते हैं क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर वह ताकत नहीं है, वह विश्वास नहीं है। बड़ा रहस्य की बातें हैं, समझिएगा नाथ। जे पूरे गांव बसही मग माही, अतिनही नाग सुर नगर सिहाही, अके ही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जिस रास्ते से राम जी जा रहे हैं तो वहां पर जो गांव पड़ रहे हैं, नगर और गांव पड़ेंगे ना, तो नागों और देवताओं के नगर उनको देख करके प्रशंसा पूर्वक कि भगवान जा रहे हैं, वो सब इतने भाग्यशाली हैं कि वो सब देख रहे हैं और हम लोग जो है
नाग लोक में है, दैव लोक में है, लेकिन यह नसीब नहीं है। तो थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं कि हमने के भाग ऐसा नहीं बा जैसा वो सब गांव वालन के बा, है ना? और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, नुआव गांव के बसाया रहा, वो बड़ा भाग्यमान हुई है कि वहाँ के लोगन के राम कथा सुनने के मौका मिला था। वो जैसन पहले लोग सुनत रहे कि लोग तपस्या कर जंगल में जाए ऋषि मुनि के ढूंढे, आज वो सही सब उपलब्ध बाए थोक के भाव में। हर ही शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोरे नरक मह परही। तो कोई बात नहीं, और सब आप ही नहीं, यह बाड़ी सब के सब लोग गाते हैं। तो बोलते हैं कि भव बारिध, वो कहते हैं ना, बिन गुरु भव निधि तरही की कोई, जो शंकर बिरंच सम होई। ये सभी लोग बोलते हैं। तो गुरु होना चाहिए ना, कोई लोभी कपटी नहीं। लोभी कपटी यह बात बोल तो देते हैं जबकि उनको पता है कि उनके अंदर विरक्ति भी नहीं है, खाली भेस नकल करके हाई स्कूल इंटर पास हो सकते हैं, लेकिन नकल करके संत नहीं बन सकते ना। जो संत की भाव है उसमें मन वाणी कर्म बिल्कुल पवित्र होना, नीति तो यही है। तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी ऐसे पूर्ण आत्मा की सराहना करते हैं कि जिन्होंने इस नगर को गांव को बसाया हो जहां से प्रभु राम ही जी जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं और कुछ न कुछ बात भी कर पा रहे हैं। तो जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। आगे आगे, जह जह राम चरण चली जाही, दिन समान यम रावती नाही। भगवान के चरण जहाँ जहाँ जा रहे हैं बता रहे हैं कि वैसा अमरावती माने इंद्रलोक, इंद्रलोक भी वैसा नहीं है। हाँ, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ही सराही सुरपुर वासी। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। हाँ, सब आपको बताएंगे कथा के बाद। है ना? हाँ, आप एकदम भ्रमित नहीं रहिए, बिल्कुल है। हाँ, 14 भुवन है जहाँ पर देवता भी है, सत्य लोक भी है, सारी व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, है जो आप सुने हैं उसमें चूंकि वह साफ साफ नहीं सुन पाए हैं इसलिए ना भ्रम आता है, लेकिन वो कथा को बीच में रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, बैठेंगे। जब कछु काल करिए सतसंगा, तो मीट ही मोह होय भ्रम भंगा। आप समझ लीजिए, जब तक आपके मन में एक भी प्रश्न है तब तक आप भ्रम में है। अर्थात डॉक्टर साहब, कि आपने जिसका भी साथ किया हो जीवन में, अगर प्रश्न है मन में तो भ्रम है। तो है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको सब दिखाएंगे खोल खोल करके। तो कहते हैं क्योंकि तो यह जो वाणी लिखी गई है इस पर भगवान शंकर जी अपना हस्ताक्षर किए हैं। आज कोई सत्य को पकड़ नहीं रहा है तो कहते शंकर जी कहाँ है,
कोई देखे हो शंकर जी के? हाँ देखे हैं लोग, है सारी व्यवस्था है नाथ। हरिओम हरिओम। तो जे भरी नयने बिलो कहीं राम ही, असीता लखन सहित घन श्याम ही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम घन श्याम, घन माने बादल, बादल के समान श्याम वर्ण वाले माने रंग वाले श्री राम जी के दर्शन करते हैं। तो जे सरसरित राम अवगाह ही, तिन्ही देव सर सरित सराह ही। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते, क्योंकि जिस ब्रह्म की बात हो रही है वे ब्रह्मांड के बाहर के तत्व हैं, माने विष्णु जी के, डॉक्टर साहब विष्णु जी के बाहर की व्यवस्था है, परम विष्णु की। तो इतना ही नहीं, जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, अकर ही कलप तरु तासु बढ़ाई। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी बैठ जाते हैं, उस वृक्ष की बढ़ाई भी कल्प वृक्ष करते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। तो परसी राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना सौभाग्य मनाती। यह सब व्यवस्था है क्योंकि राम जी वह तत्व है, वही परम तत्व है जो कि इस ब्रह्मांड के बाहर की है, उन्हीं से सब तत्व निकलते हैं, माने उनकर पसीना से जवन आकाश धरती पानी आग हवा है, अब उस पसीने के तत्व से बना हुआ शरीर अपना बुद्धि कितना भी लगाए लेकिन उस तत्व को कैसे मिलेगा नाथ। इनको जब पूरा सुनेंगे समझेंगे तब उस तत्व की पहचान, हाँ वो भी उनकी कृपा होगी, जब पूरा विश्वास करेंगे तभी। और क्या हो रहा है, कल्प वृक्ष तो उस वृक्ष की बड़ाई कर रहे हैं जिस वृक्ष के नीचे प्रभु राम बैठे हैं, और इस वाणी पर शंकर जी प्रमाण करते हैं। तो आज अगर कोई अपने आप को शंकर जी से भी बड़ा बुद्धिमान अगर बना ले, एक तो झूठ नहीं छूट रहा है, तब से बुद्धि लगा रहे हैं सब अपना अपना, तो कोई बात नहीं। इसको समझने की बात है, जो कि परम तत्व है वही आत्म तत्व जो कि सबको संकेत बराबर देता है, जो भी झूठ बोलता है तुरंत भाई पता लग जाला कि झूठ बोला था, लग जाला आपके सौंक लग जाला सत्यनारायण भैया, एक ही तत्व है तभी तो वो संकेत मिल रहा है डॉक्टर साहब। हाँ वहां से पकड़ेंगे तब पकड़ाएंगे। हाँ ओके, तू सबके छुपा ले लेकिन अपने आप से कोनो चीज नहीं छुपा सकते, और वो अंतर्यामी है वो सब देख रहे हैं, और सब झूठा क्या जो है, कहते हम जाप कर रहे हैं, और कहते हैं अरे यार कब जाना है वहाँ मीटिंग में, अरे वो क्या होने वाला था, सब क्या चलाते हैं आजकल, नौटंकी कराते हैं, आडंबर करते हैं ना, सबको खिलाते पिलाते हैं, भंडारा, हाँ भंडारा वहां पर जाना है। अगर आपका मन भंडारा में है तो आप भगवान के साथ नहीं है, भंडारा करने वाला हर एक व्यक्ति आडंबरी है और कुछ नहीं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा।
बाड़ी जो है चलते चलते हम एक प्रकार का आवाज दे वो प्रेरणा बदे बानास कहे कि गांजा पिए वाला मात्र गजेड़ी होला साधु नहीं, और आपके धरती पर मात्र गजेड़ी जो है साधु का चोंगा पहन करके ज्यादातर मिली है। चोरी करने वाला चोर होता है लेकिन वो भी अपने आप को कहता है हम भी इंसान है भाई, इंसान नहीं है, चोरी कर रहे हैं तो चोर है, इंसान का परिभाषा ही अलग होता है। तो कोई बात नहीं, देखिए बुद्धि है अगर तो अपने बुद्धि से जो है कि वही डर झूठ अगर छोड़ेंगे तब मनुष्य बनेंगे, अगर जो झूठ बोलता है वो मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य का शरीर है हाँ, लेकिन अगर वही आहार निद्रा भय मैथुन पशु चरित्र है तो फिर कहाँ से मनुष्य, काम पशु का और नाम इंसान का इसे कैसे हो सकता है। तो कोई बात नहीं, देखिएगा यह सब जो चक्र चल रहा है ये परम तत्व परमात्मा जिनका नाश कभी नहीं होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कल्प होता है 4,32,00,000,000 वर्ष का, उसके बाद आकाश के अंदर से सारी व्यवस्था खत्म, फिर शुरुआत होगा, और जो संसार के लोग अपना बुद्धि लगा पाते वो सृष्टि के शुरुआत से, उसके पहले का उनको कुछ पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, कर रहे हैं ये अच्छा है, प्रशंसनीय बात है, लेकिन उसको जाना जाएगा जब ज्ञान वैराग्य के नेत्र होंगे तभी। तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब क्या करते हैं, साइलेंस मोड में करके रख दीजिए। हरिओम हरिओम। तो छाह करही घन विबुध गण बरसही सुमन सिहाही, देखत गिरिबन बिहग मृग राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया कर रहे हैं क्योंकि सब उन्हीं से निकले हैं ने, तो उनके प्रभु जा रहे हैं तो उसको नहीं छाया करेंगे, और देवता लोग फूल बरसाते हुए सिहा रहे हैं, पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। इस समय अपना चित्त समझ लीजिए कि वहीं पे रखिए हाँ, और राम जी लक्ष्मण जी सीता जी जा रहे हैं, आप लोग भी पीछे पीछे देख रहे हैं, भाव पक्का पक्का रखेंगे तब इनका ये रहस्य समझ में आएगा हाँ। और कहते हैं कि सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते थे तो सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, अचल ही तुरत गृह काजू बिसारी। ध्यान दीजिए हाँ, सभी बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब लोग अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं, और जब गांव में नहीं प्रवेश किए बाहर से आ गए तो करण भाई को क्या कहे, किसी ने कह दिया कि देखा ठीक न हो तो भगा दे। इस समय कोई राम जी से मतलब नहीं, खाली धन आवे चाहिए या राम जी के भगत से कोई कहा अब उचित नहीं होगा, नहीं तो बोलते, कोई कहा कि अगर बाबा जी न हो तो उन्हें भगा दे, तो यहाँ यही स्थिति है। अच्छा, इसमें किसी का दोष नहीं है क्योंकि संत लोगों ने अपना ऐसा चरित्र करके दिखा दिया है जिससे कि लोग जो है शंका से तो भर गए हैं, विश्वास ही कैसे करे हाँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि राम लखन सिय रूप निहारी,
पाई नयन फल हो ही सुखारी। जब चल देते हैं तब श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी का स्वरूप देख करके नेत्रों का परम फल पा करके वे सुखी हो जाते हैं। आँख जितना कुछ भी देखना चाहता है उसमें जो उसका परम लाभ है वह है प्रभु का दर्शन। तो देखिए वे लोग कितने भाग्यवान रहे होंगे। आप लोग भी कम भाग्यवान नहीं है कि इस कराल कलयुग के काल में उस बात को चित्त स्थिर करके सुन पा रहे हैं। अगर भाव होगा तो आप अवश्य आपके हृदय में वह दर्शन हो जाएगा। भाव होगा तब, भाव नहीं होगा तो फिर, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये सीधा सीधा भाई मित्रवत बातचीत है। और कहते हैं कि सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो बीरा। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। आप लोगों के अंदर उमंग आवला न, खोला न, जब आप लोग सुन ले समझ ले देख ले चरित्र के देख ले, नहीं यार बढ़िया बाबा जी ठीक है। तो जब भी जे आपन कहाला बालेश्वर भैया, ऐसे समझो जे आपन कहाला ओकरे मिले के बाद मन खुश हुआ के चाहिए। लेकिन इस स्वार्थ के कारण जे भी मिला था वो अपन दुख रो रो के चिंता भरोला और बाद में कहिए कि साहब हम तो इतना जो है का करी। अपने जो होते हैं वो खुशी देते हैं। आज लोग कहते तो हैं कि अपने हैं लेकिन वो दुश्मन से भी बढ़ के हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तो उन लोगों का शरीर पुलकित हो गए और बरनी न जाई दशा तीन केरी अल्लाह जनु रंकन सुर मणि ढेरी। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्र ने चिंतामणि की ढेर पा गई हो। ये चिंतामणि क्या है डॉक्टर साहब जानल है? राम भगति चिंतामणि सुंदर बस ही गरुण जाके उरे अंतर। का गुसुंडी जी बता रहे हैं? देखिए हम वही पर है इसलिए सब। हाँ, का गुसुंडी जी बता रहे हैं कि श्री राम जी की परमात्मा की भक्ति ही चिंतामणि है। जब आप ही लोग विचार करके देख लीजिए, जब यह भाव पक्का पक्का हो गया कि देखिए हम झूठा सोच रहे थे कि हम और हमार, बात है कि भगवान जी सबके अंदर में बैठे हैं और हम झूठे का अहंकार कर रहे थे। भगवान जी का सेवक बन जाइए, चिंता कहाँ रहा फिर? ये चिंतामणि है भगवान की भक्ति। वो खाली बैठ के जाप करने से नहीं होगा। एकदम उनका सेवक बन जाइए पक्का पक्का, उसके बाद चिंता का कहीं जगह नहीं, ठीक ना? तो वही कहते हैं कि जैसे कि कोई दरिद्र चिंतामणि का ढेरी पा गया हो, ढेर सा, काहे कि उनको देखने के बाद भगवान को समझ में आ गया और लोग सेवक के भांति हो बन गए तो चिंता दूर। और जब तक अहंकार रहेगा, मैं और मेरा, हम और हमार, तब तक तो चिंता का जो पहाड़ बात सर पे है। और जोने दिन सेवक बन गया वो दिन चिंता खत्म। तो जेकरे पास बुद्धि हो वही बात समझ जाए तो बड़े प्रेम से सेवक बन के अपन मुक्ति पाले। और मन में कोनो इच्छा लालच रहे न करी, कहे कि लालच जब रही तब इच्छा से ही लालच होला। इच्छा का अंत बराबर मुक्ति। निजी अपने बदे नमक रोटी कुछ मिल जाए उसे मतलब नहीं बा, कोनो लालच रखे की जरूरत नहीं बा। तो वही है कि एक कन्हे एक बोली सिख दे ही लोचन लाहु लेहु छन ये ही। वो सब जो आए हैं वो एक दूसरे से बोल रहे हैं
शिक्षा दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, प्रभु को देख लो। हाँ, और आज के लोग ठीक उल्टा कहते, अरे कहाँ भगवान हो ले, ऐसे ही सब कहता भगवान कहा के देखे वह भगवान के बेवकूफ बनावत। ये सब जो ना दम्भी लोग यही सब करती हैं। अरे बिना उस तत्व के किसी का शरीर चलने वाला नहीं है। राम ही देखी एक अनुरागे, अचितवत चले जाही संग लागे। अब कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ ही चलने लगे, पूछे भी नहीं। अब देखो था ना, अच्छा लगा था तो बस चला जाता है। एक नयन मग छवि उरे आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। अब कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में ला करके, देखिए आंख के द्वारा आप भी ये कार्य कर सकते हैं, हृदय में ला करके शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। यह कार्य आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अनुभव हो रहा होगा कि इससे बड़ा दूसरा काम धरती पर क्या हो सकता है। भैया मन एकदम पवित्र हो जाए और भगवान का सेवक बन करके मुक्त अवस्था में आ जाना, और जिससे भी मिले उसका भी जो है कल्याण, तो इससे अच्छा और क्या कार्य होगा। तो कहते हैं शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और बाड़ी का व्यवहार बंद हो जाता है। 40 दिन तक कहूंगी जब पता लगल तो चुप, 40 दिन तक कोनो बाड़ी नहीं। वो अपने से न हुई, अपने से तो कोई से खबर है यार 2 मिनट चुप रहो, तब वो लोग 2 मिनट नहीं रह सकते। और 40 दिन 2 महीना कैसे कोई रही, प्रभु के प्रेरणा से, क्या कोई से कहे। तो जब उनको आदमी समझ जाता है कि सब वही है, हमारा निजी अस्तित्व नहीं है, तो एक देखी बठ छाह भली, दास मृदुल तृण पार, कहि गवाई छिनुक श्रमु, गवन अब ही की प्रार। अब सब देख रहे हैं, तो देखिए उसमें से एक ने क्या किया कि आगे बरगद का पेड़ है तो वहाँ घास फूस बिछा करके है, माने कि बिछा करके एक बहाने से कर रहा है कि आज यही रुक जाइए, सुबह जाइएगा, किसी के बहाने कुछ सेवा का मौका मिलेगा, है ना। तो ये हो रहा है, भगवान इसमें कलयुग में नहीं है, मतलब कि नहीं है का अर्थ है कि दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम जो भगवान के सेवक हैं उनके साथ भक्तों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज स्थिति है कि अगर कोई जो है ज्ञान तो नहीं है लोगों को, फिर भी अगर भगवान के सहारे कोई चल जाता है किसी के दरवाजे पर, कहता अरे यार देखा कहाँ से आ गए, मंगा बहन कुछ देखे हटाओ, सम्मान है अब कोई थोड़ा सा लिया लालच के कारण। तो एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचय नाथ कहीं मृदु बानी। कोई शिवकुमार भाई घड़ा भरकर पानी लाते हैं और कोमल बाड़ी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए, माने थोड़ा पानी तो देखा आदत रहा। लेकिन फिर जब आए वहां से छोड़ के ना, तो अपने माया में फिर लुभ था गेन, तो देखा फिर शरीर मिलावा, फिर पानी लिया वो फैन, ये दो पानी छूट दिए तो काम हो जाए, नहीं तो फिर भी दी। देखा तोहरा बात लिखा हुआ, तू लिया ना घड़ा का पानी, इन तो बल्टी के लिया, तू खड़ा के लिया। देखे बोआ
आखिर के चरित्र वह करत आया तो लिंक तो बा भगवान से फिर से सुन ला अपन बाड़ी बल्कि यहाँ निशान लगा देता ही कि एक कलश भरी आ नहीं पानी अचय नाथ कहीं मृदु बानी मीठी बाड़ी में है ना दही कोई ना लिया ला सतना भैया दही लिया तो सुनी पिए बचन ध्यान दे जब कोई से प्रेम से कहबे तो जरूर आपके जो है सम्मान करी और कोई से कहबे ले पानी पी ले तो कहीं रखो यही से हमेशा भैया जब भी बाड़ी हो तो मधुर बाड़ी बोले के चाहिए लेकिन आज तामसिक वृत्ति के कारण लोगन के पास ये मधुर बाड़ी भी नहीं रहेगा वाह बोलिए ऐसे जैसे लगी कि छेद कर दे हृदय आपके देख के निषाद राज भाई का याद आवा था वह समझो सफा सफा बात बा तो सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील बिसेखी उनके प्यारे बचन को सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी क्या करते हैं देखिए अगर प्रेम से अगर कोई कहेगा तो अवश्य ही जो है लोग उसका प्रसाद या पानी ग्रहण करेंगे हाँ नहीं जो लाया पानी वो तो बिछा करके बैठा है अभी आप बैठा बन तो अपने घरे गल ले सबसे जिन्हें खड़ा के पानी लेके आए ऐसे समझो वो तो देखा था कि आवाता तब से लहावा यह रहे घास जाओ रुको बड़ा भाव होला ये बड़ा थोड़ा भाव में रहो ये संसार के बुद्धि में मत रखो भगवान के प्रति जब भाव होला ना तो बड़ा आनंद आवला तो जानी श्रमित सिय मन माही जानी श्रमित सिय मन माही घरिक विलंब किन बट छाही वो कहा कि रात भर रुकिएगा लेकिन वो एक घंटा देखे कि सीता जी थकी हुई है यह जान करके घड़ी भर बट की छाया में विश्राम करते हैं। अमुदित नारी नर देख ही शोभा रूप अनूप नयन मनु लोभा वहां के स्त्री पुरुष आनंदित होकर के शोभा देखते हैं। वैसे तो चला जात रहे तो थोड़ा थोड़ा देखे के मिला और एक घंटा रुक गए तब तक काफी आराम से देख सकल भगवान के ने और अनुपम रूप ने उनके नेत्रों को मानो लुभा लिया। एक टक सब सो एक टक सो ही चहुरा राम चंद्र मुख चंद चकोरा सब लोग टकटकी लगाए सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की चकोर मुख चंद्र को चकोर की तरह चकवा होता है ना वो चंद्रमा को भैया रात भर देखता रहता है जो है आप लोग जानते होंगे वो देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही दृश्य है बारिश चल रही तो सभी लोग देख रहे हैं ऐसे ही हाँ तो तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा तमाल का पेड़ देखे डॉक्टर साहब तमाल नहीं जानते हाँ नहीं तमाल जो है कि कुछ जो है
जो लिपस्टिक नहीं हो, लिप्टस, हाँ कुछ होकर जो है कि वही आकाश की तरह ही, हाँ वो स्वरूप को लतमाल के, तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। उनका शरीर ऐसा नहीं था, हाँ तमाल या तो नीला कमल, नीला आकाश जोन बादल वाला होला, हाँ वो वाला, तो उस रंग का ही उनका बदन था। लोग कहते प्रभु काले थे, काले नहीं थे, श्याम वर्ण के थे। हाँ अब वही जगह जहाँ जहाँ बुद्धि पहुँचा हुआ, तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि वह शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाए। तो दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। बिजली, दामिनी माने बिजली जो चमकौला, उस रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। लक्ष्मण जी के शरीर का वह रंग था जो आकाश की, उस रंग का जो है चेहरा, वो शरीर रहा लक्ष्मण जी का, क्योंकि ये सब दिव्य भगवान के अवतार है ना, ये दिव्य तत्वों के बने हैं, ये धरती जल अग्नि हवा आकाश के नहीं है, नहीं तो कौन 12 साल तक आंख नहीं झपका। लक्ष्मण जी का 12 साल तक आवाज आंख नहीं झपका। तो वही कह रहे हैं कि बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं, वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। अब मुनि पट कठिन कसे तू नीरा, सोहही कर कमलनी धनु तीरा। कहते हैं कि दोनों लोग मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। आप जरा अपने मन से आइडिया लगाइए कि वह बादल वाले रंग का राम जी हैं और बिजली की तरह चमकने वाले लक्ष्मण जी हैं, तरकस कसे हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। थोड़ा भाव से जब समझेंगे तब आएगा, क्योंकि इनके साथ यही व्यवस्था है, व्यवस्था यही है कि अगर भाव पक्का रहेगा तो उनके रूप का दर्शन अवश्य आपको हो जाए। अब भाव पक्का पक्का करेंगे तब तो कहते हैं कि जटा मुकुट शीशनि सुभग, उर भुज नयन विशाल, अशरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े हैं, हाँ। और शरद पूर्णिमा, वही कार्तिक वाला पूर्णिमा जोन जिसे गुरु पूर्णिमा कहले, कार्तिक वाले पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा कौन है, अषाढ़ पूर्णिमा की, कार्तिक वाला जो होता है वो जो है कि जोने दिन रक्षाबंधन होला शायद, ठीक है। तो कहते सावन आषाढ़ की पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये शरद पूर्णिमा, शरद तो कुआरे कार्तिक कार्तिक वाला होता, तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है, माने उनके मुख का जो वर्णन है वो कार्तिक शरद पूर्णिमा की तरह है, ठीक है।
तो बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा जो है, जिस बुद्धि के द्वारा राम जी का चरित्र लिखा गया है, वे महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि थोड़ी है। आज इस प्रकार का काव्य रचना जिसमें 1600 शब्द है, ऐसा धरती पर एक भी नहीं है, वो कोई इंग्लैंड का अंग्रेज बहुत बड़ा रचना किया तो उसमें 800 शब्द का प्रयोग कर पाया है। इससे जितना इसमें शब्द दिए गए हैं, इससे ज्यादा शब्द कहीं भी नहीं है धरती पर, इवन भागवत गीता में भी नहीं है। यह त्रेता युग की बात है, उस समय पवित्रता, उस समय लोग ऐसे सोचते थे कि मन से एक भूल न हो, मन से भी एक भूल न हो। द्वापर में रजोगुण था और एक कलयुग में तो पूरा एकदम तमोगुण से एकदम प्रचंड हो गया व्यवस्था ने। ननकू भैया है, ये युग का प्रभाव है। तो कहते हैं, वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि थोड़ी है और शोभा उनकी बहुत अधिक है, इसलिए हम उतना वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। तो राम लखन सिए सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन बुद्धि और चित तीनों लगा करके देख रहे हैं। देखिए, यह बाड़ी अभी आई है और बार बार जब प्रसंग चलता है डॉक्टर भैया, तो आपसे यही बात कहता हूँ कि कान मन बुद्धि और चित चारों लगा करके सुनिए समझिए, फिर भी आप लोग कपट कर ही देते हैं। हाँ, कहीं न कहीं मन, हाँ, तो इसका जो नियम है उसी से जब आप लोग जब सुनेंगे समझेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हूँ मृगी मृग देखी दिया से। यह भी एक बड़ा रहस्य की बात है कि प्रेम के प्यासे हुए गांव वाले जो स्त्री पुरुष है, इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देख करके ऐसे थकित रह गए, मतलब थके नहीं, देखते ही रह गए, टकटकी लग गई बिल्कुल। हाँ, जैसे दीपक को देख करके हिरन और हिरणी अगर किसी दीपक को जलते हुए देख ले तो वह बिल्कुल उसी को देखते ही रह जाती। यह रहस्य की बात है। तो सीय समीप ग्राम तिय जाही, अपूछत अति स्नेह सकुचाही। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचा रही है। अब बार बार सब लागही पाए, कहही बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार जाके सब सीता जी का पैर छू रही है, कितनी बड़ी भाग्यशाली रही होगी।
और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती है और कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने में डरती है। स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने में डरती है। ननकू भैया ध्यान दे, ई वाणी जेकरे भी कान में पहुंचे, जब भी पहुंचे, वो जान ले कि डर नारी का स्वभाव होता है, पुरुष का स्वभाव डर नहीं है। समझ रहे ना, डर किसका स्वभाव होता है? नारी का। आज नारी से लोग विवश हो गए हैं, तो जिसके बस में रहते हैं उसका स्वभाव आ जाता है, जिसके साथ आप रहते हैं जैसा उनका स्वभाव आ जाता है। इसलिए आज का पुरुष वर्ग भी सब लोग डर से एकदम भर गए हैं। तो कहते हैं, क्या कह रही है कि स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानब जानी गवारी। सीता जी से कह रही है डरते हुए कि हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करिएगा और हमको गवारी जान करके, गांव की रहने वाली हूँ तो गवारी जान करके बुरा मत मानिएगा। राज कुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूती मरकत सोने। कहती है ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर है, भाई क्यों नहीं होंगे। कहती है मरकत मड़ी, जिसको पन्ना कहते हैं, एक मड़ी होती है ना पन्ना, मरकत मड़ी और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई हो, माने इनकी जो चमक है, मरकत मड़ी श्री राम जी से अपना वो चमक पाई है और जो सोना है वो लक्ष्मण जी से, क्योंकि ये उससे भी सुंदर है। तो भाई ठीक है, आप किसी अच्छे चमकती चीज को देखो, उससे भी जब ऊंची देखेंगे तो कहेंगे लगता है उसी से निकला है। हाँ, तो देखिए भगवान की शोभा है, उसको देख के कह रही है कि मरकत मड़ी और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। तो श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाए, श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाए, शरद सर्वरी नाथ मुखु शरद सरोरु है नैन। भूल गए एक का चुंडी बा ऐसे ये पढ़े तो बाद में याद आया कि नहीं आए हो जाला है ना, एक के ऊपर एक चुंडी आए। ठीक, कहते हैं कि श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। सुंदर सुषमा, सुषमा माने शोभा, ऐन ऐन माने घोर, धाम जोन कह लेने, कौन कौन धाम जा लेने, चारों धाम, घरवे धाम हो लेकिन पवित्र सेवक बन के सेवा बन करवे तो नहीं, तो तनाव मिली, जब यहाँ तनाव मिली तो धाम में भागो, वहां शांति मिली, लेकिन यहाँ का पवित्र सेवक बन लेते ऐसे बड़ा कोनो धाम नहीं, का तनाव हो चल जाएगा तो यहाँ यहाँ शांति रही तो वहाँ शांति रही। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो देखिए मास प्रायण का 16वां विश्राम हो गया,
कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। अब देखिए, अब पूछ रही है कि ये सब कौन है। नारी लोग जल्दी आदमी से नहीं पूछती। हाँ, तो कहती है, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हम लोगों को बताओ कि अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। तो सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचिये सिये मन महु मुसुकानी। अब देखिए, जब कोई प्रेम से कुछ पूछे तो बताए भी। और कोई कहा हो, कहा जा रहा हो, देख के लगेगी जी। हाँ, तो वही इसीलिए कहते हैं विनम्र बाड़ी होना चाहिए। तो कहते हैं कि उनकी ऐसी प्रेममयी माने विनम्र सुंदर बाड़ी सुनकर सीता जी संकोच में हो गई और मन ही मन में मुस्कुराई। तो देखिए कैसे बताती है, बड़ा अच्छा भाव है। करण जी कैसे बताई है, आज तो सीधा कहिए हमारे हस्बैंड है। और अगर अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता इन्ने तो सुने भाई, एक बात सुन ले, एक पहले तब बताई, थोड़ा सा भाव आगा बा। अब कोई एक निपड़ रही लेकिन बड़ा सुंदर रही, उनके इंजीनियर साहब से होगा शादी, और इंजीनियर साहब दे दें पार्टी, और कहे कि देखो ज्यादा मत बोलो, कहे कि तू पढ़ा लिखा बहु नहीं, मुहे से कुछ हटर बटर निकल जाये तो हमारे हो जाये बेइज्जती है ना। और तो कहे ठीक बा, हम चुपे रहो, और सब धज के अपन गहने, और तब से कोई पूछी दे कि कौन है आपके। अब वो भुला गली, हस्बैंड वाइफ सिखाए रहे, अब कह नहीं हमारे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। अब क्या करवे, लेकिन अब यहाँ माता सीता जी भाई अब क्या करे, झटके में पूछ दी और वो गई भूल, वो तो सोची कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कोई पूछ दिया तो वही हैंड पाइप हैंड पंप, और हस्बैंड की जगह हैंड पंप और वाइफ की जगह पाइप। हाँ, तो देखिए वो ठीक है, थोड़ा सा भाव है, कहे कि यहाँ सब भैया मित्रवत बात भाई, कोनो उपदेश हो नहीं बा। सती नहीं बिलो की बिलो कती धरनी, अदुहु सकोच सकु चति बर बरनी, असकुचि स प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सिखा दे अपने मीरा रूप, देखो यह चरित्र सीखो। कहते हैं कि उत्तम यानी गौर वर्ण वाली सीता जी, उनको देख करके संकोच बस पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, धरती की ओर, और वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच है। आज तो सब जन नामों ले ले लीन है, जबकि पति का नाम लेवे कभी अधिकार नहीं बा। चिंता मत करो, कहीं का हो जाए नाम ले ले ही है ते नहीं, सब मर्यादा बनावागा बा। हाँ, कहते हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की बाणी वाली सीता जी संकोच करके मधुर वचन बोलती है। क्या बोलती है,
कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे नामु लखनु लघु देवर मोरे। कहती है ये जो सहज स्वभाव, सहज स्वभाव वही अलौकिक प्रेम करण जी, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। अब बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी। अब देखिए, अब पियतन चितई भौं करी बाकी। फिर सीता जी लज्जा बस अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवे टेढ़ी करके खंजन मांजू तिरछे नयननी। कैसे पढ़ेंगे? खंजन मांजू तिरछे नयननी, निज पति कहेऊ तिन्हई सिय सयननी, निज पति कहेऊ तिन्हई सिय सयननी। खंजन पक्षी होते हैं जिके खिड़रीज कहले, खंजन पक्षी वही खिड़री जनल है। हाँ, वो आते हैं जो है, वो कभी कभी आते हैं। हाँ, तेरा तगल है तो वही जो खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी इशारे से कहती हैं कि ये मेरे पति है, ये मेरे पति है। अभय मुदित सब ग्राम बढ़ूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। यह जान करके गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार से आनंदित हुई कि मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वो सब सिहा रही होंगी कि बड़ा बढ़िया पति और देवर इनकर। हमारा तो ऐसा नहीं बहन, सत्यनारायण भाई के जोन हो मेरा भी कहीं हमारे तो पति से नहीं बहन गाजा पी वाले। तो देखे भाई सत्यनारायण भाई बतावा तई, बस सीखत जा लेवत जा, ये सब छोड़बे तब ऐसा बनबे, ये छोड़बे न तो ऐसा बनबे किसी। तो अति सब प्रेम सिय पाय परी, अब बहु विधि देही आशीष, सदा सोहागिनी हो हूँ तुम जब लगी मही अहिसी। अब देखिए, जब इतना आनंदित हो जाती हैं गांव की स्त्रियां, तो वे लोग अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़ करके आशीष दे रही हैं, पैर को भी छू रही हैं और आशीष भी दे रही हैं, माने अपनी शुभ कामना कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी। पार्वती सम पति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब सो छो। कहती है कि आप पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। बालेश्वर भैया, अगर पत्नी मन से बाड़ी से अपने कर्म से आपके अनुकूल हो जाए तो आपके कितना प्रेम ऊपर होए। मन बाड़ी कर्म से माता पार्वती जी शंकर जी के अनुकूल है तो शंकर जी के लिए वो हमेशा के लिए प्रिय हो गए।
लेकिन आज की स्थिति है कि आज झगड़ा हो जाता है। मैं गाजा पी में तो झगड़ा ना हो। तो कहते हैं कि आशीर्वाद दे रही है कि क्योंकि पार्वती जी को सबसे ज्यादा स्नेह मिला है पत्नी के रूप में भगवान शंकर जी से। माने श्रद्धा होगी तभी विश्वास होगा। पति पत्नी में श्रद्धा और विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन आज इस कलयुग में शंका और वासना, और तब भी सब कहते हैं हम बड़ा बुद्धिमान है। शंका का करेंगे बा पति परमेश्वर नहीं के सेवा से भैया नारी जगत के मुक्ति मिलला। ठीक। और कहती है कि हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटे। ठीक न, विनती कर रही है करण जी कि आप इसी रास्ते से लौटे। तो दर्शनु दर्शनु देव जानी निज दासी, अलखिसिय सब प्रेम पियासी। इस रास्ते से लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको समझी कि ये सब प्रेम की प्यासी है, और मधुर वचन कह कह करके उनका भली भांति संतोष किया। अब उन्होंने के क्या पता कि जब आई हैं तो पुष्पक विमान से आई हैं और हमने के दर्शन होने वाला, लेकिन संतोष दे लेन आज भी लोग दे लेन। अरे चिंता मत करे आई ने तो वहां भी संतोष देती है। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। देखें कैसे संतोष दे रही है, जैसे चांदनी कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर देती है। कुमुदिनी जानते हैं कमल बड़ा होता है, कुमुदिनी छोटा छोटा होता है। वो चांदनी रात में खिली रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिकुड़ जाती है। तो वैसे ही भाव पवित्र होना चाहिए नाथ। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उ मगुलो गनी मृदुबानी। अब ये सब मिलके बात लगी करने, जब नारी लोग कहीं मिल जाती है तो हमेशा बात ही शुरू हो जाता है। तो कहते उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाड़ी से लोगों से रास्ता पूछे। लौकिक व्यवहार है, उनको कहाँ रास्ता नहीं पता, लेकिन एक बहाने से तो पूछा तो बताइए तो चलो, नहीं तो ये लोग अपन जी। तो कह रहे हैं कि सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गाति बिलोचन बारी। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, रास्ता पूछा था मतलब रुकिए ना जइए, और उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। तो मीठा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। उनका आनंद मिट गया और ऐसे उदास हो गए कि मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। तो समुझी करम गति धीर झुकीना, सोधी सुगम मगु तिन्ह कही दीना। तो कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, जो रास्ते में लोग मिले थे
और अच्छी तरह निर्णय करके जो सुगम मार्ग है बतला दिए। तो लखन जान की सहित तब गवनु किन्ह रघुनाथ, हेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन सार। ध्यान दीजिएगा, यही बार बार आप लोगों को भी शिक्षा देता रहा कि भैया यहाँ से जाइए तो हृदय में राम जी को धारण करके जाइए, सेवा करिए लेकिन लालच किसी से मत रखिए। कहते हैं कि तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री राम जी ने गमन किए और सब लोगों को प्रिय बाड़ी कह करके लौट आए और उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया, उनके मनों को अपने साथ ही लगा, जैसे सुकुमार भाई है, देखे रात में बारिश आ गई तो लेके लाइट दौड़े हुए भागे, क्योंकि मन जब लगा रहता है कहीं तो वहां पर हाँ मन ही है, मन में फंसा रहता है और मन को ही मुक्त होना पड़ता है, बाकी तो जो पैदा हुआ वो मरेगा ही। जी तो कहते हैं कि फिरत नारी नर अति पछिताही, दयही दोसु देही मन माही। लौटते हुए वे सभी नर नारी बहुत पछता रहे हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। जब कोई बात खराब हो जाती ना तो सब भगवान को दोष देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं वीर भाई तो कहते मैंने बड़ा अच्छा किया, और जब कुछ नुकसान जाता है ना क्या भगवान सब बिगाड़ दे, है ना, यही है ड्रामा यहाँ पर। तो कहते हैं दोष देते हैं, असहित विषाद परस पर कहहीं, विधि कर तब उल्टे सब यही। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं, है ना, माना जो अच्छे लग रहे हैं वे दूर चले जा रहे हैं और जो दुख दे रहे हैं हाँ कुछ वैसा ही। तो निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। कहते वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश माने स्वतंत्र है, निर्दयी है, निडर है, हाँ ऐसा कर रहा है लेकिन उसको कोई दोष नहीं है। जिसने चंद्रमा को रोगी माने घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, क्या कहते हैं, रुख कलप तरु सागर उखारा, अते ही पठाए बने राजकुमारा। बहुत सही बुद्धि लगाए हैं, क्या कर रहे हैं कि भाई राम लक्ष्मण जी ये जंगल जाने योग है, है ना। तो कहते हैं कि देखिए ये कितना जो है विधाता निरंकुश और निडर और निर्दयी है, जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया, चंद्रमा घटता बढ़ता है, कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है, ये राजकुमार वन जाने के योग्य नहीं है। तो जौ पै इन्ही दीन बन बासु, किन्ह बादी विधि भोग बिलासु। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये वनवास में जा रहे हैं तो भोग विलास क्या करेंगे,
ए बीच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। जब ये बिना खड़ाऊं के माने नंगे पैरों ही रास्ते पे जा रहे हैं, तब विधाता अनेक वाहन सहार और सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। अतरु बर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रची रची श्रमुकीना। कितना अच्छा सब तर्क कर रहे हैं कि जब एक कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज यानी पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया, तो उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ का परिश्रम किया। सब अपना ऐसे ही भाव है, जब भाव रहेगा तभी ये भाव आएगा। हाँ, एक दो लोग बोले, लेकिन कब बोले, जब अमेरिका का वो पूरा फ्लैट और सारी व्यवस्था देखे, के गुरु इतने जगह रहत रहे, ये ठीक नहीं भा। हमके नहीं भा, बहुत बढ़िया भा, ऐसे बढ़िया कब आ। कोई बात नहीं, तो जाओ ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। कहते जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। तो देखिए यही सब है, थोड़ा सा एक दो चौपाई और आएगा कि जो ये कंद मूल फल खाही, अबादी सुधा दिया सने जग माही। अए कहाही ये सहज सुहाए, आपु प्रगट भय विधि न बनाए। सही बात है, कहते हैं कि जो एक कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोज्य पदार्थ व्यर्थ ही है। तो कोई एक कहता है कि स्वभाव से ही सुंदर है, माने चेहरे से सुंदर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से सुंदर, स्वभाव से सुंदर होना पहले जरूरी है ना। तो कहते हैं कि इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक ही सुंदरता है, जो इनके स्वभाव में ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। और बात सत्य है कि जब भी प्रभु का अवतार होता है तो अपने तंत्र से अवतार लेते हैं, वे ब्रह्मा के प्रपंच से नहीं, और लेते हैं तो मात्र भक्तों के लिए, धरती के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और देवता के लिए। देखिए यहाँ पर आया है सब, भगवान अवतार लेते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी, असुरहित लागी कृपालु, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिट ही जग जाल। वो आते हैं लोगों के लिए, यहाँ पर सब आ करके ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब जब ज्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता तो आते हैं और सुधार करके फिर चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा करते हैं। यही सब चल रहा है, ये तो संतत चल रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है,
हो ही नहीं रहा है, आ चुके हैं, बस उचित समय का। हाँ, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा दो चार ठो अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ ऐसा ही होगा उसके बाद, क्योंकि जब जनता को चाहिए तभी न दिया जाएगा। आज तो आपके धरती पर एक व्यक्ति झूठ का त्याग करने का साहस नहीं रख पा रहा है, कक्षा 4 तक पास करने की बात नहीं कर पा रहा है, और कहता है कि हम जो है कि विश्व धर्म संगठन के प्रेसिडेंट है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यह कक्षा 4 का ज्ञान है। अगर उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सिर्फ कपट करने के लिए ही ज्ञान लिए हैं? PhD कर लिए हैं लोग पाप में, सब कोई जो है झूठ बोलने में परंगत है। तो आर वीर भाई का भा कुछ चला था? हाँ, वर्क इज थोड़ा बड़ा अलग है, रहस्य अलग है, चिंता न करें। तो कहते हैं कि अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी इनको नहीं बनाए हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी बनाते तो इनके लिए एक काम, ये स्थिति न देते। तो कहते हैं कि जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहुं खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। देखिए वही 14 भुवन आ गया। जब इस आंख से नहीं दिखाई देता तो कहते सब बकवास की बात है। वहां के देखिए त्रेता युग की बात है ये। कहते हैं कि हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन किया है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखा तो ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहीं नहीं है। तीनों लोक 14 भुवन में ऐसे पुरुष और नारी कहीं नहीं है, तो कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। वो सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के भी बाहर का व्यवस्था है। ये तीनों ब्रह्म है और ये है परम ब्रह्म। पूरे रामचरितमानस के डॉक्टर साहब ध्यान दे थोड़ा, पूरे रामचरितमानस के एक चौपाई से इस रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। सुंदरकांड में जब रावण पूछता है हनुमान जी से, रे बंदर तू किसका दूत है, तो साफ साफ हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करते हैं, मैं उनका दूत हूँ रावण, और जिनका थोड़ा सा बल पाके तू भी कुदक रहा है, हैं? जिनके बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, मैं उनका दूत हूँ। वही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वही आत्म तत्व ही परमात्मा है, लेकिन आज कोई आत्मा की आवाज सुनता ही नहीं। वीर भाई जब भी झूठ बोला ला तो अंदर से आवाज होला की बात झूठ हो, लेकिन कल लालच बस जाए यार चलो जाए आपका कभी है न, तो कोई बात नहीं। प्रेम मतलब यहाँ तो है कि भाव है जी, तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि इन्हीं देखी विधि मनु अनुराग, अपट तर जोग बनावे लागा। डॉक्टर साहब
बड़ा रहस्य के बाद बा कहते हैं कि इन्हें देखकर, अब चूंकि आए हैं पूरे ब्रह्मांड के बाहर से अपने प्रकार से, तो इन्हें देख करके विधाता का मन अनुरक्त हुआ यानी मुग्ध हुआ। तब इन्हीं के जैसा, माने इन्हीं के जैसा ये बनाने के लिए प्रयास किए। अकिन है बहुत श्रम एक न आए, देही रिसा बन आनी दुराए। इनके जैसा बनाने का कोशिश की और कोई एक बना नहीं पाए, तब ईर्ष्या के मारे इनको जंगल में लाकर छिपा दिए हैं। देखिए ऐसे ऐसे कल्पना कर रहे हैं नगर के वासी। आज ऐसी कल्पना करने का पुरुषार्थ कहा, बाबा जी आल हैं देखो, प्रसादी जाए चाही, ओहू में सोचा के पड़ा मैं तो। कोई बात नहीं, कहने का तात्पर्य है कि आज थोड़ा ये जो प्रकृति है ये असंतुलित हो गई है, तो लोगों का सोच समझ बिल्कुल अलग हो गया। कोई बात नहीं, तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी से नहीं बनाया गया ऐसा कोई न उपमा देने के लिए, क्या हुआ जब उपमा देने के लिए कुछ ब्रह्मा जी से नहीं बनाया गया, तो ईर्ष्या के बस इनको जंगल का रास्ता दिखा दिए। तो कहते हैं कि एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धान्य करी मान। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत तो नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। क्यों कि ते पुनी पुण्य पूंज हम लेखे, जे देख ही देखी अही जिन्हें देखे। कहते जो इनके दर्शन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन परम धन्य अवश्य मानते हैं। क्यों कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, और जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, यही पर खा करके लोग रोक दिए। उसमें एक बाणी और बोल दे रहा हूँ यहाँ से कि जो इनको सुनेंगे वे भी धन्य ही होंगे। यही करण जी ने तो यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, अकिमी चली हही मारा गया गमा, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार से प्रिय बाड़ी कह कह करके सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम यानी कठिन मार्ग से कैसे चलेंगे। सबको दुख हो रहा है, अब उनको क्या पता है कि वो कितने कठोर हैं। हैं तो नारी सने विकल बस हो ही, अचकई साझ समय जनु सोही। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती है, स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं। कैसे, जैसे शाम के समय चकवी, चंद्रमा उदय हुआ और चकवा जो है उधर लग गया, चकवी पर नहीं देखता रात भर, तो चकवी विकल हो जाती है शाम के समय। वैसे ही सब नारियां विकल हो जाती हैं स्नेह के बस में होने के कारण। और मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग का कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से
माने झकझोर रहा है हृदय, ये ठीक नहीं है। फिर भी उसी हृदय से उत्तम बाड़ी कहती है, क्या कहती है कि पर सत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है, कैसे, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। हाँ, तो जो जगदीश इन्हीं बनु दीना कसन सुमन मय मारगु कीना। यदि जगदीश्वर ने इन्हें बनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। हाँ, यहाँ काटा बागी पुष्प चाहिए। वो समय दया रहा, इस समय निर्दयता जने। हाँ, क्या करवे। हाँ, तो कहते हैं कि जो मांगा पाइए विधि पाही ए रखी यही सखी आखिन माही। जो मांगा पाइए विधि पाही ए राखी यही सखी आखिन माही। कहते यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो, यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख ले। इतना प्रेम है। और कहते हैं कि जे नर नारी ने अवसर आए तिन्ह सिय राम न देखन पाए। कहते हैं जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए और वे सीता राम जी को नहीं देख सके तो सुनि सुरूप बुझही अकुलाई। देखिए आप लोगों के लिए बाड़ी है क्योंकि आप लोग तो नहीं देख पाए थे। तो सुनि सुरूप बुझही अकुलाई अब लगी गए कहां लगी भाई। कहते उनके जो नहीं देख सके हैं और उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वे कहां तक गए होंगे। हैं तो समरथ धाई बिलो कहीं जाई। जो थोड़ा हिस्ट पुष्पा, हाँ ननकू भाई नहीं वीर भाई दौड़ के, तो समरथ धाई बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। तो अबला बालक वृद्ध जन करमी जही पछिताही हो ही प्रेम बस लो गई मी राम जहां जह जाई। अब कहते हैं कि अबला माने ऐसी नारी जो गर्भ से है, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते। हाँ, इस प्रकार जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। आज चूंकि प्रेम को लालच ने खिसका दिया है
इसलिए बहुत कम भक्त ही बचे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अब आते हैं। तो गाँव गाँव ऐसे होई आनंद, देखी भानु कुल कैरव चंद। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। अजे कछु समाचार सुनी पावही, तेंद्री परानी ही दोसु लगावही। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते तो वे लोग राजा दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते, जबकि दोष किसी को लगाने की आवश्यकता, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं। एक ही लाइन में बात आएगी, अगर उसका व्याख्यान चाहेंगे तो बाद में दिया जाएगा चाहेंगे तो कहते हैं। अब देखिए, कोई तो दोष लगाते हैं, कहीं एक अति हल नर नाहू, दिन हम ही जोई लोचन लाहू। अब देखें, कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दे दिया। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे। आज कलयुग है तो आज ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग सुंदर और शीतल बातें करें। जरूर कहिए कि कुछ गड़बड़ी करे हुई है, तब जो ये सब करो तैन उनके अंदर जो है सच्चा भाव, जबकि बता दिया गया कि देखा भाई यही है इतना जन्म बा यही है क्या करे, ये सब युग का प्रभाव है। तो ते पितु मातु धन्य जिन्हें जाए, अधन्य सो नगरु जहां ते आए। ऐसा भाव आप लोगों को भी रखना चाहिए, भगवान की कथा सुन रहे हैं तो कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं। ध्यान दीजिए करण जी, वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। और धन्य सो नगरु जहां से आए, और वह नगर धन्य है जहां से आए हैं। अधन्य सो देशु सैलु बन गाऊ, जहां जहां जाही धन्य सोई ठाऊ। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। तो सुख पायउ बिरंच रचिते ही, ए जेही के सब भांति सने ही। कहते हैं कि ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके यानी रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत रहस्य की बात है। जिसको राम जी स्नेही नहीं है, जिसको राम जी स्नेही नहीं है, समझ ले कि वो ब्रह्मा का व्यर्थ का जो है परिश्रम है। हाँ, परिश्रम खाली करे बह। हाँ, तो राम लखन पथी
कथा सुहाई। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताऊंगा, उसको रखिएगा मन में कि जिनका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है उसके लिए ब्रह्मा जी का मात्र परिश्रम ही डाढ़ है, कोई मतलब नहीं। तो राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। कहते हैं कि पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है। तो यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख दे, जाहिं चले देखत बिपिन, सिय सौमित्र समे। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। आगे राम जी हैं, देखिए कैसे जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। यह जो है बड़ा अच्छा लाइन है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, यही करना है। बड़ा सही समय पर आप रुके हुए हैं और सुन लीजिए आराम से। राम जी आगे आगे और लक्ष्मण जी पीछे पीछे है, इसमें ध्यान देने की बात है ना। आज भी वही स्थिति है, आप लोग भी लक्ष्मण जी हैं लेकिन भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। सेवक का जो बात बताता हूँ तो सेवक में सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो लक्ष्मण जी का ही है ना। तो उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ठीक ना, तो ब्रह्म और जीव के बीच में यही माया है। हाँ, इतना ही है। शंकर सीता जी जो है महामाया, सीता जी वो महामाया है। रावण जैसे दुष्ट का नाश करने के लिए महामाया को आना पड़ा, नहीं तो माया में ही सब ठगे जा रहे हैं। और माया को बोलते हैं माया महा ठगनी में जानी, लोग माया को महाठगनी बोलते हैं। अब देखिए आज लोग जीव जीव आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और जब ब्रह्म और माया धरती पर आएंगे तो उनको कौन बातचीत करके समन्वय कर सकता है। तो कम से कम जीव जीव को आपस में प्रेम ही करना चाहिए, बैर का नियम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। तो बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, अजनु मधु मदन माध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। कहते हैं कि फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो। राम लक्ष्मण के बीच में माता सीता जी का ये उपमा दे रहे हैं,
और फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री, चंद्रमा की पत्नी का नाम है रोहिणी, सो रही हो। तो पुत्र और पिता के बीच में माता जी रहती है, तो चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र के बीच में वो माता और बसंत ऋतु और कामदेव जी के बीच में रति, इससे तुलना कर रहे हैं। और देखिए कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता और धरती चरण मग चलती सभीता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चल रही, उनके चरण चिन्हों पर नहीं, उसके बीच बीच में। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। आज कोई के चलहू नहीं आवो, हाँ बस उठायन चल दे घुघरी खात के, है ना। और देखिए ऐसे चला भी जाता है, ये सब है रहस्य की बातें। असी राम पद अंक बराए लखन चल ही मगु दाहिन लाए। लक्ष्मण जी दोनों के पैरों को बचा रहे और दाहिने होकर के चल, ऐसे चलना चाहिए। यदि पुत्र पिता और माता तीनों लोग इस प्रकार से चल रहे हो तो ऐसे चलने की नीति है। आज चूंकि मर्यादा च्युत हो चुका है पूरा संसार, इसलिए चलने बोलने डोलने का जो है हाँ। और कहते हैं कि राम लखन सिय प्रीति सुहाई वचन अगोचर किमि कही जाई। कहते श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। इसको कह तो रहे हैं लेकिन आज तामसिक वृत्ति है, लोगों से कहेंगे तो क्या ऐसे का हो जाए, ऐसे चला से का हो जाए, लोग तर्क उतर करिए, इसीलिए कर रहे हैं कि ये बाड़ी का विषय नहीं है। हाँ जो श्रद्धालु हैं अगर समझ लें उनका अनुसरण करेंगे तब पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ होता है। तो खग मृग मगन देखी छवि हो ही लिए चोरी चित राम बटोही। कहते हैं कि पक्षी और पशु भी उस छवि को देख करके प्रेम प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं और पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए, माने पशु पक्षी भी उनको देख रहे हैं। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। कहते हैं कि प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भाव का अगम मार्ग, भाव माने संसार, संसार में जन्म मृत्यु रूपी भयानक मार्ग है। भगवान में प्रेम हो जाए तो जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप बाहर चले जाएंगे। कहते हैं कि बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर कर लिया,
माने वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट गए। आप लोग भी जिस क्षण आवागमन के मतलब कि आप कोनो शरीर मिले की जरूरत इतना जो सब भोगावा था भोगाई होगाई ध्यान दीजिए आप ठीक है। अच्छे समय पर प्रश्न किए हैं यहाँ पर बता दीजिए। जो मोक्ष अपने पुरुषार्थ के बल पर मिलता है वह चार प्रकार का होता है, सालोक्य, सामीप्य, सारुज्य और सारूप्य। जैसे ये चारों मोक्ष मिलने के बाद भी आना पड़ता है। जब तक नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलेगी तब तक उसका बहना लगातार बना रहेगा, लेकिन जब लीन होकर के उसमें मिल जाएंगे, पूरा भगवान मैं हो जाएंगे और मोक्ष की भी इच्छा समाप्त हो जाएगी, जैसे माता सबरी पद लीन भई जह नहीं फिरे, माने लीन हो गई और योग अग्नि से शरीर छोड़ दी, वहां से वापसी नहीं है, लेकिन मोक्ष के बाद भी वापसी होता है। इस प्रकार से जो मुक्ति मिलती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर और भी थोड़ा सा जान लें। जो बात बार बार आपको कल भी समझा रहा था कि बिना विरक्ति के ज्ञान नहीं होता है, आज एक को विरक्त नहीं है तब वो गुरु बन के आश्रम बन के पड़े हैं कि हम बहुत कल्याण कर देंगे, आधार ही नहीं है। जब से ज्ञान का आधार ही नहीं रहेगा विरक्ति है ना, तब तक ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से बिना भक्ति के मुक्ति भी स्थिर नहीं रह सकती, मोक्ष भी बिना भक्ति के स्थिर। तो इसलिए जो परम सयाने हैं वो ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, और जो लोग थोड़ा सा अहंकारी हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, उनका कुछ नहीं, जहाँ जो है कि विषय का बयार चला वहीं उनका ज्ञान खत्म। आप ज्ञानी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज ये बड़ा सरल भाव में ननकू भैया बात बता देता ही था, बिना वैराग के योग नहीं हो और बिना योग के वो परम तत्व का ज्ञान नहीं हो। आज अज्ञान के जंगल में यानी संसार जगत में लोग तमाम प्रकार के तर्क कुतर्क करके नारी के हर जगह फैला दे बैर कि भाई इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आज के ज्ञान नहीं है किसी को, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सुनु मुनि ज्ञान निधान, ये भगवान शंकर जी की बाणी है ना। सुनु मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, हो ही बिबस हरि जान, अनारी विश्व माया प्रगट। ज्ञान के भंडार भी इनके नेत्र के बाढ़ से मोहित हो जाते हैं। चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे वो ये सब तो आशा उषा ये सब तो वशीकरण करके सब पाखंडी लोग, ज्ञान के निधान भी, यहाँ तक कि कौन है ज्ञान के निधान, विश्वामित्र जी भी मोहित हो गए थे शकुंतला पर ना। नहीं, शकुंतला तो बच्ची थी, वो क्या थे, वही इंद्र की जो है पटरानी जो है। तो ज्ञान के निधान भी मोहित हो जाते हैं। आज आपके इस समाज में धरती पर एक भी धर्म गुरु नहीं है जिसके चित्त में स्त्री के भग का वास न हो, यह अवस्था है ना। क्योंकि ये लोग इसीलिए
वह जो नारी को कहते जो एक उपदेश देते हैं कि अपने पति परमेश्वर के ही पूजा से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये चारों वेद कहते हैं, क्या आप पांचवा वेद है जो कि नारियों को बैठा करके प्रवचन करते हैं? अब ये सब रहस्य की बातें हैं और आज इस कलयुग में सब ओपन सिस्टम हो गया है और इससे आप देख ही रहे हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर नारी लोग अपने पति परमेश्वर के मन में मन लगा दे, बालेश्वर भैया कितना आनंद आएगा, आप बड़े प्रेम प्रेम सब काम कर लेंगे, मन बाड़ी और कर्म से अनुकूल माता पार्वती जी हैं, गौरी जी जिनको लोग सिंदूर चढ़ा के पहनती हैं, वे मन बाड़ी कर्म से शंकर जी की सेवक हैं, माता तुलसी भगवान की मन बाड़ी कर्म से भक्त हैं, तो आज भी तुलसी जी का पूजा होता है। लेकिन आज यहाँ कहते हैं ना, आप लोग अनुभव करिए क्या आता नौकरानी है का खरीद के लिया जाएगा तो ये सब माया रूपी नारी है और माया रूपी नारी खाली दुख देने वाली होती है। कम अवस्था में बाल पग्गा ठीक है कोई बात नहीं। तो ज्ञान के निधान भी मृगनैनी के जाल में फंस जाते, इस बात का ध्यान। महाराज जी विष्णु भगवान की तो नारद मोह हो गया था। हाँ वो ध्यान दीजिएगा ठीक है, वो ज्यादा चर्चा तो बाद ही में करना चाहिए, लेकिन जब आप पूछ ही दिए तो वहाँ पर इतना बात बता दिए और बीच में चर्चा करेंगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि संसार जगत का जितना भी भ्रम है भगवान शंकर जी के प्रेरणा बा भैया सब बड़े प्रेम से दूर है। नहीं तो इसका पॉलीग्राफ टेस्ट एक होता है, एक तो कुर्सी होती है उस पर बैठा दीजिए और आपके धरती का एक भी व्यक्ति कह दे कि हमारे चित्त के अंदर नारी के भक्त का वास नहीं होता, हमारा इस शरीर का गला काट लिया जाए, कहते हैं धर्म गुरु है। ये सब जाते हैं जब नारियां जो है पूरी बेलती है तो जाके ही अड़गड़ा गड़गड़ा कोई है और जाकर के वहां देखता है जो है माताओं के स्तनों को। यह है आपके जीवन का रहस्य इस संसार जगत का, इसीलिए तो इसका त्याग हो गया। इसलिए नाथ जाने दीजिए, प्रभु राम के शरण में रहिए, इन सब के बारे में क्या सोचिए, ऐसा करता है ये है आप समझिए, क्योंकि ताकत नहीं है इन सब राक्षसों को, विरक्ति का ताकत नहीं है, इसलिए नए नए पंथ खोल खोल करके खाली व्यवसायीकरण कर रखे हैं, भक्तों का धन हरण कर लेते हैं लेकिन उनका भरम दूर। संत को धन से क्या मतलब, गाड़ी बंगला से क्या लेना देना है? अरे भाई धन तो चाहिए जिसके बाल बच्चे हैं, बेचारे गृहस्थ लोग कंगाल, संत लोग माला माल। ये सब ड्रामा को समझिए, क्योंकि ये कलयुग में दंभ माने झूठा धर्म प्रचंड रूप से व्याप्त हो चुका है। यदि जनता जागरूक हो जाए तो ऐसे वेश्याओं का रजिस्ट्रेशन देने का जो है कि साहस देश का प्रधानमंत्री और देश का कानून नहीं करता। संत के लिए क्या मतलब है इन सब चीजों से? आज यह बाड़ी इस शरीर के माध्यम से जो पहुंच रहा है ना, उसका मात्र एक ही है कि वेद की जो नीति है आदर्श मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उसको जो है कि आपके जो है संसार जगत में बना रहे, जिसको धर्म के मार्ग से चलना हो चले, जिसको अधर्म के मार्ग से चलना हो वो भी चले, लेकिन एक दूसरे को क्लेश न करे। आज कोई सही रास्ते पे चलना भी चाहता तो ये सब कटवा देते हैं, गुंडा भेज देते हैं मारने के लिए है ना? तो खैर कोई बात नहीं नाथ जाने दीजिए, उधर अगर बुद्धि जाएगी तो फिर हाँ। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वे लोग आवागमन से मुक्त हो गए जिन्होंने देखा, और जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु का सेवक मन बाणी कर्म से बन जाएंगे जिस दिन, उसी दिन करोड़ों जन्मों का पाप कटेगा। यह वचन का प्रमाण है कि सन्मुख हो ही जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। भगवान कभी जो है कि उनकी बाड़ी गलत नहीं हो सकती है, मन बाड़ी कर्म से अहंकार को छोड़ करके कोई भी दिखाए देखिए उसके जन्मों का पाप कटा हुआ तुरंत महसूस होगा। जब भगवान का सेवक बन गए तो सेवा कर रहे हैं,
लालच काम गुस्सा घमंड जलन ममता मोह से क्या मतलब है। जिस जगह पर बैठा दिया गया, पुत्र बना दिया गया, सच्चे पुत्र के भांति सेवा करिए, माता पिता को बिल्कुल जो है शंकर जी और माता पार्वती जी के रूप में सेवा करिए। कर सकता है आदमी, करना चाहे तो, लेकिन लोभ ने इस समय लोगों के बुद्धि को जकड़ रखा है और सभी रिश्ते को कलंकित करके सब खाली लोभ के पीछे दौड़ रहे हैं। यही है माया मृग, है ना? तो माया मृग के पीछे दौड़ते और कहते हैं राम जी कितना पागल रहे, माया सोने का मिर्गा होला कह दौड़े अपने दौड़ फैन तो नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अजहू जासूर, ध्यान दे, आज भी सत्यनारायण भैया अब झूठ न निकलेगा चाहे मुंह से। हाँ हाँ, लेकिन वो कब तक कहवे वो छोड़ दे। ठीक ठीक ठीक, अरे ठीक है भाई, जितना कहत है। हाँ, तो अजहू जासूर सपने हुकाऊ, अब बसहू लखनु सिए राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। मात्र श्री रामचित मानस का यही दो लाइन से आपको भगवान का परम पद मिल जाए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम जी तीनों बटोही आकर के बस जाए, स्वप्न में भी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भाव है ना, स्वप्न में भी बस जाए तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा। यह शंकर जी की बाणी है। और जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि पाते हैं, कोई बिरला मुनि पाता है, लेकिन सेवक जो है वो बड़े प्रेम से पा जाते हैं। जब सेवक जब अपना सब समर्पित कर दिए ना, सबकर ममता लेके शंकर जी के पैर में बांध दे कि ले महाराज अब तुके जोन कराओ को करावे, हम तो सेवक बन गए, जहां जो नमाज काम बा वो कर दे। अब देखिए कितना बड़ा गोस्था है, संतोष रूपी भाव को ध्यान दे ननकू भैया, तू पहले बड़कू रह ले, लेकिन कुछ गलती कर ले तो ननकू बना देवा गई ले, ठीक है। यहाँ पर सब मित्रवत भाव भाव है। हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा स्वप्न में आते हैं, अगर भाव रहेगा तो आएंगे जरूर, ये भी निश्चित है। तो